दुनिया के अलग अलग हिस्सों के चार आत्मज्ञानियों के जीवन के बारे में जानें। इस सीरीज में सद्गुरु बताते हैं कि उन चारों ने कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया और कैसे दूसरों को आत्मज्ञान पाने में मदद की। सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर यह रोमांचक नई सीरीज देखें। गुरजीत ने अपने आसपास के लोगों की इच्छा को नष्ट करने के लिए अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल किया, तो वो एक बहुत ही अजीब और निराले गुरु थे। गुरजीत किसी शराबी की तरह पेश आते हैं, लौटते हैं, हर किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, चीजें यहां वहां फेंकते हैं, तो इस तरह वो ऑस्पेंस्की के लिए चरम परिस्थितियां पैदा करते रहेंगे। अलग अलग गुरुओं ने अपने आसपास के लोगों की इच्छा को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। एक व्यक्ति जो इस तरह की परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गुरजीत। गुरजीत शुरुआती 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु थे जो यूरोप में काफी प्रसिद्ध हुए, तो वो एक बहुत ही अजीब और निराले गुरु थे। उन्होंने लोगों को बहुत से कठिन काम दिए, हर तरह की चीजें। ऑस्पेंस्की जो एक महान गणितज्ञ थे, उनके शिष्य बन गए। ऑस्पेंस्की की वजह से गुरजीत प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि ऑस्पेंस्की ने गुरजीत पर किताबें लिखी। वो अपने समय के एक बहुत ही जाने माने, लोकप्रिय और महान वक्ता थे। एक चीज ये हुई कि जब गुरजीत अमेरिका में विभिन्न शहरों में वक्तव्य दे रहे थे, तो ऑस्पेंस्की भी उनके साथ सफर कर रहे थे। वो उत्तरी अमेरिका में अभी भी रेल यात्रा वाला समय था, जहां लोग ट्रेन से सफर किया करते थे, और वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और डाइनिंग कार में, पैंट्री कार में, जहां वो खाना खा रहे थे, अचानक गुरजीत यूं पेश आने लगे मानो वो नशे में हों। वो चीजें उठाकर यहां वहां फेंकने लगे। उन्होंने वाइन का एक ग्लास उठाया और उसे एक महिला के ऊपर उड़ेल दिया, और हर कोई गुस्से में था। लोग उनकी पिटाई करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्पेंस्की उन्हें बचा रहे हैं। ये व्यक्ति आत्मज्ञानी है। गुरजीत किसी शराबी की तरह पेश आते हैं, लौटते हैं, हर किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, चीजें यहां वहां फेंकते हैं। फिर वहां गार्ड या जो भी सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, वो कहते हैं, आप इन्हें इनके कैबिन में वापस ले जाइए, वरना हम इन्हें बाहर फेंक देंगे। ऑस्पेंस्की गुरजीत को बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती पकड़कर कैबिन में ले जाते हैं, और जैसे ही वो कैबिन में आते हैं, वो बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। तो इस तरह वो ऑस्पेंस्की के लिए चरम परिस्थितियां पैदा करते रहे, जहां ऑस्पेंस्की जिस तरह के व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छी तरह शिक्षित, सुसंस्कृत विद्वान, उनके लिए गुरजीत को संभालना नामुमकिन था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप में
अनुभव की गहराई है तो खुद को किनारे रखना बहुत आसान है, वरना आप खुद को किनारे नहीं रख सकते। इसके लिए उस व्यक्ति के अंदर या तो बहुत अधिक प्रेम होना चाहिए या विश्वास या अनुभव की गहराई। या तो आप अपनी जागरूकता को पैना करें, जो एक ज्यादा मुश्किल काम है। इस पर लगातार काम करना पड़ता है, ये रातों रात नहीं होता, लेकिन प्रेम तुरंत हो सकता है। हाँ, यही वजह है कि दुनिया में हर जगह भक्ति पर इतना जोर दिया गया है। हर धर्म और हर आध्यात्मिक मार्ग में लोगों ने हमेशा से प्रेम की बात की है, क्योंकि अगर आप इच्छुक हैं तो ये तुरंत हो सकता है, लेकिन आपकी जागरूकता, आपका विवेक, अगर आप इच्छुक हैं तो भी ये तुरंत नहीं होगा। इस पर काम करना होगा, आपको इसे अर्जित करना होगा, ये बस यूं ही नहीं आने वाला। लेकिन प्रेम तुरंत हो सकता है, भावना का यही फायदा है।